हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको स्टोरेज बैग बनाना सिखाएंगे। इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। देखिए, हम इसकी लंबाई लेंगे, हमने कपड़ा को डबल फोल्ड कर लिया है। हम इसकी लंबाई लेंगे 23 इंच। देखिए, 23 इंच पर निशान लगा लिया है। और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 16 इंच। देखिए, ऐसे एक साथ निशान लगा लेंगे। देखिए, निशान लग चुके हैं। देखिए, इसको कट कर देंगे। हमारे यहाँ से कट कर दो पल्ले आएंगे। ये देखिए, हमारे दो पल्ले आ चुके हैं। देखिए, अब इसकी हम चैन पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हम 55 इंच। देखिए, इसको जोड़ लगा के कर लेंगे, कपड़ा कम हो तो। और ये देखिए, हम इसकी बैक पट्टी लेंगे। हमारी चैन पट्टी 3 साइड आएगी और हम इसमें बैक पट्टी जो आएगी 8 इंच चौड़ी आएगी और वो 23 इंच लंबी आएगी। तो देखिए, यहाँ से 23 इंच कट कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें इसके लिए फोम सीट काटेंगे और अस्तर के लिए कपड़ा काटेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे ऊपर वाले कपड़े में तो ये मेन फैब्रिक है, ये हमारी फोम सीट है। ये देखिए, हमारी चैन पट्टी और ये फोम सीट चैन पट्टी की, और ये हमारी अस्तर है। ये देखिए, बैक पट्टी, ये बैक पट्टी के लिए अस्तर। हमने सभी के लिए अस्तर और फोम सीट कट कर ली है। तो अब इसको देखिए, हम इसको जॉइंट करेंगे, फोम सीट, अस्तर और कपड़े को एक साथ। तो देखिए, हम पहले यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा फैलाएंगे। हम पहले जो पार्ट हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे अस्तर फैला लिया है और उसके ऊपर फोम सीट रखेंगे। देखिए, इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक बिछाएंगे। ये देखिए, हमने ये फैब्रिक सीधा रखा है। अस्तर को आप सीधा या उल्टा भी रख सकते हैं, कैसे ही भी, कपड़े को हम सीधा ही रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे साइड में हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये रुक जाए, और इसमें हम बाद में निशान लगाएंगे। इसमें हमें खाने बनाने हैं ना, उसके लिए। ये देखिए, और ये हमारी चैन पट्टी आ गई, इसको भी हमने जॉइंट कर लिया था। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का कपड़ा एक साइड छोड़ते हुए यहाँ से चैन स्टार्ट करेंगे। और ये चैन वाला कपड़ा हम सीधा रखेंगे, चैन उल्टी रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस हमने ये कट कर लिया है, जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर रखा था। और यहाँ से इसको दबाते हुए यहाँ पे साइड में सिलाई लगा देंगे और इसको यहाँ से, ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा के इसको भी ऐसे ही दबा देंगे। सॉरी गाइस, जिसमें एक पल क्लिप कट हो चुकी है, जो हमने उसमें खाने बनाए थे मेन फैब्रिक पल्लों में, वो क्लिप हमारी डिलीट हो चुकी थी। तो हम इसमें दिखा देंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे खाने बनाए थे इसमें। तो ये हमारी लंबाई जो 23 इंच है, हम इस पे बैक वाली पट्टी जो काटी थी हमने 23 इंच, उससे रख कर सिलाई लगाएंगे। देखिए, पार्ट पल्ले को हम सीधा रखेंगे और पट्टी को हम उल्टा रखेंगे। देखिए, यहाँ से सिलाई लगा देंगे इसमें। देखिए, सिलाई लग चुकी है हमारी। ये देखिए, ये देखिए, ये एक ही साइड बैग में ही लगेगा और 3 साइड हमारी चैन वाली पट्टी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको चैन वाली पट्टी को, ये बैग वाली पट्टी को इस साथ जोड़ लेंगे। देखिए, ये ऐसे जॉइंट कर ली है। ये देखिए, जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, हम उसको कट कर देंगे। ये देखिए, इस पे अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम कोने पाक बताएंगे इसको कैसे मोड़ना है। इस पे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे। और देखिए, कौन आ चुका है यहाँ पे। 1/2 इंच पर निशान लगा के नीचे इसे छोड़ना है, इस पर निशान तक ही सिलाई लगाना है।
ये देखिए, अब मशीन इसको उठाते हुए इसको ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए हमने ये नीचे वाला घुमा लिया और ये पट्टी हमारी इस पर हम लगाएंगे इसको चैन पट्टी को। पूरे बैग में हमें हाफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखना है। तो देखिए अब हम इसको कोने तक लगा लेंगे। दूसरे देखिए आगे हम दूसरे कोने पर यहाँ पे भी हाफ इंच रखते हुए इसको जैसे पहले हमने मोड़ा था ये ऐसे ही कर लेंगे। और इसको यहाँ तक ले कर आएंगे हम बैक पट्टी तक। ये देखिए हमारी बैक पट्टी तक आ चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है हम उसको यहाँ से कट करेंगे, पर अभी कट नहीं करेंगे। अभी हम एक पल्ला और रह चुका है, इसमें ऊपर की साइड हमें जोड़ना है वो। तो देखिए यहाँ से रखते हुए इसको जैसे हमने नीचे वाला जॉइंट किया है इसको भी ऐसे ही हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए पहले हम लंबाई में रखेंगे इसको। ये देखिए इसमें हाफ इंच छोड़ते हुए इसको भी यहाँ ऐसे लगाते हुए इसमें सिलाई जैसे हमने पहला वाला जोड़ा था इसको भी हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। चलिए करते हैं हम इसमें जॉइंट। ये देखिए हमारा चैन पट्टी तक ही आ चुका है। देखिए ये देखिए अब इसको ऐसे घुमाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये दूसरा कोना आ गया है। इसको यहाँ से घुमाते हुए ये देखिए जितना हमारा उधर था हमने इतना ही इधर निशान लगा लिया। हमें इस निशान तक ये जॉइंट करना है पल्ला। देखिए इसको हम बाद में जॉइंट करेंगे वो जो हमारा खुला है। ये देखिए अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। हमारा ये बैग बंद हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। हमारा बैग कंप्लीट सही हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से चैन खोल कर इसको सीधा करेंगे। तो गाइस देखिए कितना प्यारा बैग बना है हमारा। इसमें हम बहुत सारे कपड़े स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको अंदर से दिखाते हैं। देखिए कितना बड़ा बैग बना है हमारा। ये देखिए देखिए अब यहाँ से हमने जो सिलाई लगाई थी ये चारों साइड हम उसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऊपर ऊपर किनारी बनाएंगे। देखिए ऊपर भी नीचे भी इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हम आपको बताते हैं ऐसे इसको जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी पट्टी और पल्लों में वहाँ से पकड़ेंगे इसको। यहाँ से इस पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए तो इसमें पूरे चारों साइड इसमें सिलाई लगा देंगे। इसमें ऊपर भी और नीचे भी लगाएंगे इसमें। देखिए देखिए सिलाई लगा के हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो देखिए हमारा ये बैग बनकर रेडी हो चुका है। इसमें यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। सो देखिए सो गाइज लाइक करना।